नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉ स्टडी 2020 में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 12 और सेक्शन 13 के विषय में। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक यह वीडियो पहुँच सके। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 12 और सेक्शन 13। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन 12 क्या कहता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसेट्रा। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? इसमें पहला जो है, उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। दूसरा है, उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे होंगी। तीसरे में का और खा दो हैं। पहला का देख लेते हैं। उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी खंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकता है और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकता है। खा जो है, प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न जो है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण के ऐसी शक्तियां भी होंगी जैसे उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें और वह उनका प्रयोग करेगा। सेक्शन 13 जो है दोस्तों, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं उनके विषय में बताया गया है। पहला है, यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती हैं तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है। दूसरा इसमें है, ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें। तीसरा है, उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर के किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक यह वीडियो पहुँच सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के आइकन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन ऑन कर लीजिए दोस्तों।